हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गर्मा गर्म पकौड़े। ये पकौड़े हम बना रहे हैं लौकी के। और लौकी के पकौड़े सुनकर के तो आपने सोच रहा होगा कि बहुत बार खा चुके हैं, आज नया क्या है। तो जी हाँ, आज बहुत ही स्पेशल, बहुत ही नया ये लौकी के पकौड़े बनने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है लंबी सी, एकदम पतली सी लौकी। कोशिश करिए कि पतली सी लौकी रहे, और लंबी में अगर रहे तो एकदम पतली हो, ताकि सारे लौकी के शेप जो है वो एक तरीके से आए। और एकदम पतले पीस में इसको काटनी है। ये देखिए, हमने पतला काट लिया है। पतला इसलिए काटना होता है ताकि लौकी पक जाए, क्योंकि अगर लौकी नहीं पकती है ना तो पकौड़े बहुत ही ख़राब लगते हैं, कच्चा सा टाइप का। तो लौकी अगर पतले पतले काटेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाती है। अब इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप चावल। चावल को हमने 10 मिनट तक पानी में भिंगो करके छोड़ दिया था, लेकिन उससे पहले हमने चावल को बहुत ही अच्छे से धो के साफ़ किया था, तब जाकर के हमने पानी में छोड़ा था। और अब दोबारा इसे हम पानी में एक बार और धो लेते हैं। इसके बाद हम इसे जार में डाल देते हैं पीसने के लिए। अब इसी के साथ में हम लहसुन की कुछ कलियां भी पीसेंगे, और साथ ही तीखा के लिए जितनी भी आप मिर्च यूज़ कर सकते हैं चटपटा खाने के लिए। आप जितना चटपटा खाते हैं उतने मिर्च डाल सकते हैं, तो आप खूब चटपटा खाते हैं तो हम यहाँ पे मिर्च उसके अनुसार डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डालना है और पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, एकदम स्मूथ पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया है। और ये जो पेस्ट है बहुत स्वादिष्ट है, इसमें लहसुन, इसमें हरी मिर्च, इसको चार चांद लगा देगा। इसमें और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और चावल डालने से पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है। उसी जार में थोड़ा सा और पानी ऐड करके हम यहाँ पे डाल दिए हैं, थोड़ा सा जो रह गया था। एक छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर डालनी है, और स्वाद अनुसार नमक डालनी है, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं एक कप के करीब बेसन। लेयर को एकदम पतला रखना है, हमने थोड़ी सी लंबी वाली लौकी दी थी तो इसलिए हमने एक कप बेसन लिया है। अगर आप थोड़ी छोटी लौकी ले रहे हैं ना तो आधा कप बेसन लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए बेसन का जो लेयर होना चाहिए वो एकदम पतला होना चाहिए, नहीं तो अंदर की लौकी एकदम कच्ची लगती है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पतला बना रहे हैं। एक बार में पूरी पानी डालने की कोशिश मत करिएगा, वरना सारी गुठलियाँ ऐसे ही रह जाएंगी। और फाइनल इस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कर लेते हैं। साबुत जीरा जब पकौड़ियों के साथ आप खाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें गोल मिर्च भी डाल सकते हैं दो पार्ट में तोड़ के। और कुछ गुठलियाँ रह गई हैं तो इसे भी हम फोड़ लेते हैं। और इसमें लौकी जितने पीस में हमने काटे हुए हैं वो डाल दिए हैं, और इसी पीस के साथ में हम गैस पे डालेंगे। इससे पहले हमने तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर दिया है। सारे लौकी को एक बार में कटोरी में डाल दीजिए, या फिर आप अलग अलग तरीके से करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी होता है। और बस तेल गर्म होने के बाद इसे डाल दीजिए, और बहुत ही क्रिस्पी सा पकौड़ी बन करके तैयार हो जाएगा। डेली डेली की सब्ज़ी खा कर अगर आप बोर हो जाते हैं ना तो बस इस पकौड़े को बना दीजिए, एकदम क्रिस्पी। चाय के साथ खाइए, या कोई मेहमान घर पे आए फटाक से 2 मिनट के लिए चावल को भिंगो करके रख दीजिए, उसे पीस लीजिए लहसुन और हरी मिर्च के साथ में, और ये बैटर तैयार कर लीजिए, और फिर पकौड़े बनाइए। इतना क्रिस्पी लगेगा चाय के साथ, सब कोई बस कहेगा वाओ कितना ज़्यादा टेस्टी है, और बहुत 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 स्वादिष्ट लगता है। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।